दोस्तों अपने चैनल के ऊपर हमने काफी सारे ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग करी है, चाहे वो अतरंगी डिजाइन के अंदर हो या फिर गेमिंग वाले हो या फिर भाई आरजीबी लाइटिंग या फिर प्रीमियम साउंड वाले हो। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम हजार रुपए के अंदर जो ईयरबड्स आप ग्रैब कर सकते हो ना आज की डेट के अंदर, उसकी बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखना। और हाँ, लास्ट में ना सभी ईयरबड्स का जो माइक्रोफोन का आउटपुट है ना वो डाला हुआ है, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि कौन से ईयरबड्स में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए हजार रुपए। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 5 पे जो हमने रखे हैं ये हैं बोट के एडोब्स 91। अब ये जो ईयरबड्स है ना ये मैंने 899 के अंदर बाय करे हैं। अब इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी लुक्स देखोगे ना भाई, आपको डिसेंट सी मिल जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छी है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी आपको एवरेज टाइप मिलेगी। लाइट वेट काफी ज्यादा है और इसके ईयरबड्स के ऊपर भाई एक टेक्सचर सा आता है तो काफी कूल सा लगता है। इन ये डिजाइन के अंदर आते हैं तो कानों में फिटिंग भी अच्छी आती है। और यहाँ पर आप बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले अगर बैटरी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 300 mAh की बैटरी मिलती है केस के अंदर, और जो ना 45 आवर्स का बैटरी आउटपुट देगी अगर आप 60% पे यूज करते हो। बाकी यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाती है और यहाँ पर आपको टाइप सी का सपोर्ट भी मिल जाता है। 10 mm के ऑडियो ड्राइवर दे रखे हैं, IPX4 की रेटिंग है और गेमिंग के लिए बीस्ट मोड 50 ms लो लेटेंसी के साथ आता है। तो जहां पर हमने टेस्ट भी करके देखा तो ठीक ठाक आउटपुट यहाँ पर मुझे मिल रहा था। ये छोटा सा आउटपुट यहाँ पर डाल रहा हूं। अब आउटपुट आपने सुन लिया, लेकिन काम करता है 65 ms लेटेंसी जैसा। एंड माइक्रोफोन का आउटपुट लास्ट में है। ऑडियो की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 10 mm की जो ऑडियो ड्राइवर है ना ठीक ठाक ऑडियो देते हैं, लेकिन सुपर नहीं है इस बजट के अंदर, इसलिए मैंने 5 पे रखा है इसको। अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो यहाँ पर ना आपको वोकल्स ठीक ठाक से मिलते हैं, और ट्रेबल्स की बात करूँ तो भाई ऑन पॉइंट नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि 100% वॉल्यूम पर थोड़े से चुभते हैं। और बेस यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट लगा मुझे, जो बोट के अंदर बातचीत आती है ना कि भाई हाई बेस होता है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। तो ऑडियो के अंदर मैं बोलूँगा भाई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 899 के अंदर ओवरऑल जो पैकेज है ना वो ठीक ठाक मिल रहा है, इसलिए मैंने भाई 5वें नंबर पे रखा है इसे। बाकी नेक्स्ट ईयरबड की बात करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे जो ईयरबड्स रखे हैं ना ये हैं ट्रिगर की तरफ से आने वाले क्रैकन X1। वैसे X2 भी आ चुके हैं, लेकिन भाई फिर भी जो मेरी प्रायोरिटी है ना अभी यही है। 899 के अंदर मैंने ये भी खरीदे हैं। और भाई इनकी बात करूं, सबसे पहले इसकी जो बिल्ड है ना वो बहुत सटल सी लगती है, इसकी स्पेशली जो आईज वाला जो लुक है ना वो मुझे काफी कूल लगता है। बाकी जो ईयरबड्स हैं वो इन ईयर टाइप आते हैं तो आपके कानों में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। फीचर्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो बैटरी आउटपुट है वो मिलती है 40 आवर्स की, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 90 मिनट के अंदर फुल चार्ज होते हैं। 10 mm के ऑडियो ड्राइवर आते हैं, IPX4 रेटेड है, साथ में गेमिंग के लिए 40 ms लो लेटेंसी यूज कर रखी है। लेकिन मैं यूज कर रहा था भाई इसको और यहाँ पर लगभग 50-55 के आसपास आपको लेटेंसी देखने को मिल जाएगी। साथ में माइक्रोफोन के लिए यहाँ पर आपको ENC सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड यस म्यूजिक के लिए जो कोडेक्स है भाई वो AAC और SBC दोनों सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर माइक्रोफोन का आउटपुट आपको एंड मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं ऑडियो की, तो यहाँ पर अगर वोकल्स की बात करूँ मेरे को बहुत शार्प और क्लियर और क्रिस्प लगे, साथ में जो बेस आउटपुट है वो भी तगड़ा आता है। इवन यहाँ पर जो ट्रेबल्स हैं वो ऑन पॉइंट लगते हैं, कहीं भी मतलब फुल वॉल्यूम करने पर कहीं भी चुभन या फिर मतलब इरिटेशन नहीं होती अगर आप 100% पे भी सुन रहे हो। लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि 85 या फिर 90 तक ही जाया करो मैक्सिमम। तो ऑडियो के मामले में, गेमिंग आउटपुट के मामले में और लुक्स के मामले में मुझे काफी अच्छे लगे, और 899 या फिर 999 के अंदर 100% आपको मिल जाएंगे। इनका जो बेस्ट बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। गाइस नेक्स्ट ईयरबड की बात करते हैं, ये है बोल्ट की तरफ से आने वाले Z40। 999 के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डिजाइन और बिल्ड है वो काफी प्रीमियम से लगती है, और हाँ सटल और टेक्टाइल डिजाइन है, तो मतलब आपको ऐसा लगा कि चीप क्वालिटी यूज कर रखी है। इसके जो ईयरबड्स हैं ये आपको रबर टाइप या फिर आप बोल सकते हो इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं, तो कानों में जो फिटिंग है वो काफी बढ़िया लगी मुझे। फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 60 आवर्स का बैटरी बैकअप आता है, साथ में फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, 10 मिनट के अंदर 100 मिनट का आउटपुट आप ले सकते हो। ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है, 10 mm के ऑडियो ड्राइवर है, और हाँ गेमिंग के लिए यहाँ पर आपको 50 ms लो लेटेंसी यूज कर रखी है। लेकिन यूज करके देखी थी मैंने और वो लगभग 65 ms के आसपास काम करती है। अच्छी बात यह है कि 1000 rupees के अंदर आते हैं लेकिन फिर भी IPX5 की रेटिंग आती है, तो अगर पसीना वगैरह आ रहा है या फिर पानी की बूंदे पड़ रही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, झेल जाएंगे। ऑडियो मुझे काफी सही लगा, जहां पर आपको क्रिस्प वॉल्यूम मिल रहा है, 100% जाने पर भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम लो लग सकता है, लेकिन बेस आउटपुट काफी बढ़िया मिला, और जो ट्रेबल्स हैं वो ऑन पॉइंट है, यहां पर आपको कोई इरिटेशन या फिर 100% में चुभन सी महसूस नहीं होती जब आप इससे ऑडियो सुनते हो। तो 999 के हिसाब से यहां पर सारी चीज अच्छी है, अगर थोड़ा सा वॉल्यूम और हाई होता तो हाँ डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि नंबर 1 हो सकता था ये वाला ईयरबड। गाइस बात करते हैं नंबर 2 की, और ये है नॉइस के VS402। अब इन ईयरबड्स की बात करूं तो भाई थोड़े से पहले जरूर आए थे, लेकिन अभी भी इस प्राइस के अंदर वर्थ इट लगते हैं। सबसे अच्छी बात लगी थी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी, अभी तक जितने भी ईयरबड्स बताए सबसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसी की थी। यहां पर आपको स्लाइडिंग मैकेनिज्म आता है, एक छोटी सी लाइट आती है जो कि ब्रीदिंग करती है, बहुत कूल लगती है। इसके जो ईयरबड्स हैं उनकी भी डिजाइन अच्छी है, कानों में फिटिंग अच्छी आती है, इन ईयर टाइप आते हैं ये। और यहां पर अगर बात करूं फीचर्स की, तो यहां पर आपको 50 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, यहां पर आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 10 मिनट के अंदर 120 मिनट का आउटपुट है, ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी है, साथ में लो लेटेंसी भी दे रखी है,
लेकिन वो ओके टाइप काम करती है। एंड यस यहाँ पर आपको 10 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं। एंड यस IPX5 की रेटिंग मिलती है, तो थोड़ा बहुत पसीना आ जाए या फिर बूंदाबांदी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एंड माइक्रोफोन का आउटपुट मैंने लास्ट में डाला, वो जरूर सुनकर जाना। साथ में अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ऑडियो अच्छा लगा, जहाँ पर आपको जो बेस आउटपुट है वो बढ़िया मिल जाता है। फुल वॉल्यूम पर भी यहाँ पर आवाज़ फटती नहीं है, फिर कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होता है। साथ में यहाँ पर आपको जो बेस आउटपुट है वो भी बढ़िया मिल जाता है। एंड वोकल्स काफी क्रिस्प और क्लियर है। एंड जो ट्रेबल्स वाला जो पार्ट है ना वो काफी ऑप्टिमाइज है, तो कानों में दर्द नहीं होता जब आप फुल वॉल्यूम पर सुन रहे हो। तो अगर आप 100-200 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं कहूंगा भाई इसको भी बाय कर सकते हो, काफी ऐसा ही ऑप्शन है। दोस्तों नंबर वन पे जो हमने रखे ना ये है कॉस्मोस बर्ड्स X50। ये मैंने 799 रुपए के अंदर बाय करे थे, लेकिन अभी थोड़ी सी प्राइसिंग ज्यादा है, लेकिन फिर भी भाई वर्थ इट है। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो लुक है ना वो काफी अच्छी लगेगी आपको। छोटे से एक बाजा होता ना या फिर जो रेडियो होता है वैसे कुछ लुक के साथ आते हैं, और RGB कलर इसमें भर भर के डाल रखे हैं। और इसकी जो बिल्ड डिजाइन है वो आपको ठीक ठाक सी मिल जाएगी, बहुत सुपीरियर तो नहीं बोलूंगा लेकिन ठीक ठाक सी मिल जाएगी। लेकिन फीचर्स काफी कमाल के, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना आपको 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और उसके साथ साथ आपको ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, और ENC दे रखा है माइक्रोफोन्स के लिए। साथ में गेमिंग आउटपुट है 40 ms का, तो यहाँ पर सही काम कर रहा था, हमने टेस्ट वगैरह कर रखा है, सही मिल जाती है मतलब आउटपुट यहाँ पर। अगर जिम वगैरह जाते हो ईयरबड्स को पहन के और पसीना आ जाता तो भाई यहाँ पर IPX5 की रेटिंग भी है, जिससे ना ये खराब नहीं होते और झेल जाते हैं। छोटे से हैं लेकिन झेल जाते हैं। एंड 10 mm के ऑडियो ड्राइवर है, जहां पर आपको AAC और SBC कोडेक दोनों सपोर्ट करते हैं। माइक्रोफोन का आउटपुट अभी आता होगा, लेकिन हम बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की। यहाँ पर आपको जो ऑडियो क्वालिटी है मुझे बढ़िया लगी थी, जिस प्राइस के अंदर मैंने बाय करे थे मुझे सुपर लगी थी भाई। यहाँ पर आपको जो वोकल्स हैं सही आ रहे थे, और जो ट्रेवल वाला पार्ट है वो कहूँगा थोड़ा सा कभी कभी इरिटेशन हो रही थी 100% पे जब सुन रहे हो, और बेस क्वालिटी ठीक ठाक सी मिल रही थी अगर आप प्राइस को देखोगे तो। लेकिन अगर 1200-1300 रुपए के आसपास आएंगे तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मतलब एक्सपेंसिव हो रहा है। तो इसके लिए यही बोलूंगा जब आपको ये प्राइसिंग में कम मिले ना 800 या फिर 900 रुपए के हिसाब से तब आप बाय कर लेना, लेकिन अगर 1100 या फिर 1200 या फिर 1300 रुपए के मिल रहे हैं तो मत बाय करना। बाकी और जो ऑप्शन है उन्हें भी चूज कर सकते हो। और ये है सभी ईयरबड्स के माइक्रोफोन के आउटपुट। बाकी ये है बोट के एयरडॉप्स 91 का आउटपुट, और ऐसा कुछ आउटपुट क्रिएट करते हैं जब आप इंडोर कंडीशन में इनको यूज करो। बाकी बढ़ते हैं दूसरे ईयरबड्स की तरफ। अभी जो माइक्रोफोन का आउटपुट आप सुन रहे हो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्रिगर के क्रैकल ईयरबड से। यहाँ पर कुछ आउटपुट कुछ ऐसा आता है इंडोर के अंदर, जब भी आप इससे बात करोगे ना तो ये आउटपुट जाने वाला है। इसके माइक्रोफोन पर नॉइस के VS104 से माइक्रोफोन का जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आप दूसरे इंसान को सुनने को मिलेगा, और ये कॉलिंग टेस्ट है, और ये यहाँ पर मतलब इंडोर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, और फैन चल रहा है भी, तो जो इसका ENC वगैरह है वो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। और ये ऑडियो है कॉस्मो बर्ड्स X50 का, तो भाई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप इन ईयरबड से कॉलिंग पे बात करोगे, और ये इंडोर कंडीशन के अंदर माइक्रोफोन का आउटपुट। तो गाइस आपने सभी के माइक्रोफोन सुन लिए होंगे और आपको पता लगा होगा कौन से ईयरबड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपको बाय वगैरह करना है तो भाई सभी के जो लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये वीडियो पे खत्म कर रहा हूं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।